4 BHK का हाउस प्लान है ये फ्रेंड्स, 4 BHK, 4 कमरा वाला ये घर का नक्शा है, जो कि 25x40 फीट पे बना है। ये 1000 स्क्वायर फीट पे बनाया जाने वाला 4 BHK का प्लान है फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं इस टाइप से हमने प्लान को रखा है। यहाँ पे गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम हमने रखा है फ्रेंड्स फ्रंट के साइड, जो कि इसका एंट्री बाहर से भी रखा है। ये डोर, ये 3 फीट का हमने बाहर से डोर दिया है, इसका एंट्री बाहर से भी रखा है। यहाँ पे विंडो, इसका साइज फ्रेंड्स हमने 11 फीट रखा है दिस साइड, और दिस साइड फ्रेंड्स 9 फीट 4 इंच, ये हमने साइज को लेके बनाया है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स एंट्री गेट, मेन गेट ये रहेगा, जो कि दिस साइड से अप। यहाँ पे 2 स्टेप हमने स्टेयर्स की रखी है, इसका साइज 4 फीट हमने रखा है दिस साइड, ऐसे हमने 4 फीट रखा है। यहाँ पे फिर फ्रेंड्स बेडरूम जो कि ये सेकेंड हो जाएगा, ये गेस्ट रूम वाला फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक डोर हमने दिस साइड से भी दिया है गेस्ट के लिए, कुछ 2 साइड से हमने गेस्ट के लिए बेडरूम में दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स टॉयलेट बाथ हमने अटैच लिया है, जो कि इसका साइज़ हमने 8 फीट दिस साइड और दिस साइड 4 फीट रखा है। ये टॉयलेट और बाथरूम हमने गेस्ट रूम से अटैच लिया है फ्रेंड्स, इस टाइप से काफ़ी अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स, अटैच टॉयलेट बाथ गेस्ट रूम में फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने विंडो, ऐसे हमने विंडो, आपको जिस साइड पॉसिबल है विंडो आप लेके बना सकते हैं। 10 फीट दिस साइड हमने साइज़ लिया और दिस साइड हमने 11 फीट साइज़ को रखा है फ्रेंड्स, इस टाइप से। यहाँ पे डोर 3 फीट का इस टाइप से आप दे के बनाएं, या 3 फीट 6 इंच का दे सकते हैं ये सब डोर, ये भी 3 फीट 6 इंच दे सकते हैं ये डोर। यहाँ पे किचन हमने रखा है, जो कि इसका साइज़ फ्रेंड्स दिस साइड 6 फीट 0 इंच और दिस साइड फ्रेंड्स हमने इसका साइज 8 फीट 6 इंच रखा है दिस साइड से, इस टाइप से ये काफ़ी अच्छा साइज के साथ किचन हो जाएगा। यहाँ पे डाइनिंग हॉल, जो कि काफ़ी अच्छा साइज में फ्रेंड्स रखा गया डाइनिंग हॉल, दिस साइड 15 फीट हमने साइज रखा और दिस साइड 11 फीट 11 इंच हमने इसका साइज को लेके बनाया है इस टाइप से फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स साइज हो जाएगी, जो कि 9 फीट 4 इंच ये साइज आपको देखने को मिलेगा, और फिर दिस साइड फ्रेंड्स आपको साइज 16 फीट 4 इंच ये मिलेगा, जो कि इस टाइप से मिलेगा। फिर स्टेयर्स हमने फ्रेंड्स क्लॉक वाइज दिस साइड से अप लिया है, ये 3 फीट पे हमने स्टेयर्स लिया है, दिस साइड भी 3 फीट और दिस साइड भी 3 फीट हमने स्टेयर्स की साइज़ रखी है। टोटल साइज़ 7 फीट 5 इंच हमने रखी है, इस टाइप से हमने साइज़ को लेके बनाया है, 7 फीट 5 इंच दिस साइड साइज़ हमने लिया है, और दिस साइड 10 फीट ये बेडरूम का साइज़ रहेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप 8 फीट ये साइज़ को लेके बनाएं, 8 फीट 3 इंच हमने इस टाइप से रखा है। यहाँ पे बेडरूम फोर्थ, ऐसे बेडरूम थर्ड हमने रखा है। यहाँ पे भी कॉमन टॉयलेट और बाथ हमने रखा है, जो कि 4 फीट दिस साइड फ्रेंड्स 7 फीट ये हमने साइज को लेके बनाया है, ये साइज रहेगा। यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का डोर, यहाँ पे 3 फीट का डोर, यहाँ पे 3 फीट का डोर, और दिस साइड फ्रेंड्स 10 फीट 0 इंच का ये हमने साइज रखा है, और दिस साइड 11 फीट 0 इंच ये हमने साइज को रखा है, ऐसे ही 11 फीट का ये हमने साइज रखा है, और दिस साइड 9 फीट 4 इंच का ये हमने साइज रखा है। ये सभी बेडरूम आप देखे फ्रेंड्स, सभी का साइज़ हमने बता दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कॉलम्स रखी है, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड थर्ड फोर फाइव, यहाँ पे फ्रेंड्स 6 7 8 9, यहाँ पे फ्रेंड्स 10 11
12, 13, यहाँ पे 14, 15, 16, ये सभी कॉलम्स रहेगा फ्रेंड्स, ये सभी कॉलम्स रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन नंबर्स कॉलम्स। ये 16 कॉलम है, 16 कॉलम, जो कि फ्रेंड्स ये 10 इंच इंटू 12 इंच है कॉलम साइज रखे, ये कॉलम साइज फ्रेंड्स 10 इंच इंटू 12 इंच का रखे, सभी कॉलम साइज ऐसे ही रखे। और यहाँ पे फ्रेंड्स 12 mm का सरिया जो कि T6 प्रोवाइड करे, इस टाइप से बनाए फ्रेंड्स। ये सभी हमने विंडो रखी है, ऐसी विंडो वेंटिलेशन हमने लिया, जिस साइड आपको पॉसिबल है उस साइड आप विंडो वेंटिलेशन लेके आप बनाएं। और ये प्लान अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। इसमें बिल्डिंग कॉस्ट पड़ जाएगी फ्रेंड्स, जो कि बिल्डिंग कॉस्ट इसमें फ्रेंड्स 12 लाख तक में काफ़ी अच्छा प्लान बन जाएगा। आप 12 लाख का टारगेट रख के आप बनवा सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।